रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। हम बात करेंगे आज एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में हम बात करेंगे एक्सेल की डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सर्वर को कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद मैं डेटाबेस में जा रहा हूँ। मेरे पास दो तरह के डेटाबेस है, डीटी एंड एयूजी। तो हम डीटी में अपनी डेटा को ऐड करना चाहते हैं, जो कि मेरे एक ड्राइव की एक्सेल फाइल में पड़ा हुआ है। अब टास्क के ऊपर मैं डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, टास्क के ऊपर जाता हूँ और यहाँ आप देखेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इंपोर्ट के ऊपर और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा सा ये हैंग होगा, इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे मैंने एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्राउज करके अपनी एक्सेल। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें 2007 वाले जो .xlsx यूज़ करते हैं तो आपको सिस्टम डेटा को अपडेट करना पड़ेगा, ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो अगर आपके पास डेटा 65,000 से नीचे का डेटा है तो फिर आप क्यों करेंगे, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे इन डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2007 से 10 होगा, नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ एरर देगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ACG 12.0 प्रोवाइडर नॉट रजिस्टर्ड द लोकल मशीन सिस्टम डेटा। अब आपको खैर तो इसको जाके एक करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करें, अपना 2003 का फाइल सिलेक्ट कर लें, 97 से 2003 के ऊपर, देन नेक्स्ट करें। अब डेटा सोर्स, डेटा डेस्टिनेशन क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अब सर्वर पे क्लिक करते ही यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट OLEODDV प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर। यहाँ से आप अपना सर्वर चूज कीजिए, अगर सर्वर कई सारे ज़्यादा है तो सर्वर चूज कीजिए, अपना ऑथेंटिकेशन चूज कीजिए कि आपके आई यूजर नेम पासवर्ड, या फिर क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट इस पे है, विंडो ऑथेंटिकेशन पे है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, कॉपी डेटा फ्रॉम टेबल एंड व्यूज, नेक्स्ट अपना टेबल सेलेक्ट कीजिए, मेरा डेटा टेबल है, डेटा टेबल को सिलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, रन इमीडिएटली या ये आपको पैकेजेस के अंदर ऐड करना है, फिलहाल मुझे रन इमीडिएटली करनी है, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ देखिए 792 रो ट्रांसफर हो चुका है, देन क्लोज कीजिए। अब आपके टेबल लिस्ट में डेटा नाम का एक टेबल आ गया है। आप रिफ्रेश नहीं आया तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश करते ही आपके पास आ जाएगा। आप इसको देखना चाहे तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट 100 रोज 1000 रो करेंगे, यहाँ पे देखिए दिख जाएगा। अब बात करते हैं डेटा एक्सपोर्ट की। तो डेटा एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हालांकि आप यहाँ पे ही जैसे कि सिलेक्ट 1000 है तो यही पे मैं अगर आईडी कर देता हूँ, क्यूरी लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, स्टार और या नहीं ये टॉप सिस्टम हटा देता हूँ, बस सिंपल सा स्क्यूब कीजिए, ये डेटा आ गया। अब डेटा आ गया तो इसी को आप जो है ना सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, कॉपी विद हिडर, और फिर कॉपी करके जहाँ मर्जी पेज करना चाहते हैं एक्सेल वगैरह पे आप जनरली पेज कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका ऐसे ही यूज हम लोग करते हैं, सिंपल पेस्ट हो गया, तो इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ हम इसके भी कर सकते हैं, मतलब कि रिजल्ट टू टेक्स्ट, ये आपका क्या था रिजल्ट टू ग्रीड है, और यहाँ पे आता है रिजल्ट टू फाइल, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर रन कीजिएगा तो आपको एक RTP जो है RPT का एक फाइल बना के जहाँ मर्जी चाहिए वहाँ पे आपका दे देगा। एक तरीका तो ये है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं ई ड्राइव में
आरटीपीटी हमने यहाँ पे टीटी अनाउंस हमने यहाँ पे सेव कर दिया, तो आप देखेंगे ई ड्राइव में। अब इसको ओपन कैसे होगा, तो ओपन हमेशा नोटपैड की फाइल पे होगा। अब यहां पे अगला ऑप्शन आता है, लेकिन हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम आइए टास्क पे चलते हैं, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा, सेम सिस्टम होगा, डेटा सोर्स कि आपका डेटा सोर्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे वही एसक्यूएल सर्वर हमने प्रोवाइड किया, और यहाँ पे आता है नेक्स्ट, फिर आता है चूज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में हमने एक्सेल। अब यहाँ आपको एक फाइल बताना होगा कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर फाइल में डेटा डालना है, एक पर्टिकुलर फाइल। तो एक मिनट में एक फाइल देख लेता हूँ पहले। आरपीटी के नाम से हमने बना दिया, तो यहाँ पे ब्राउज ई ड्राइव में आरपीटी को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। फिर यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया, कौन सा चाहिए हमने, लेकिन मुझे ये चाहिए नेक्स्ट। ये बता रहा है कहाँ सीट चाहिए, हमने बोला ठीक है, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए आप यहाँ से हटा सकते हैं। मैं नेक्स्ट, रन इमीडिएटली या नेक्स्ट एंड फिनिश, कोई एरर नहीं, यहाँ एरर आ गया। प्रॉपर्टी स्किप स्टॉप इट, स्टॉप इट एरर, अभी एरर का जिसका ओके। क्रिएट टेबल जो है वो नहीं है, क्योंकि हमने हेडिंग वगैरह नहीं दिया हुआ है। एक बार हम इस एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं जो हमने बनाया है, क्योंकि तो इसमें हेडिंग देना पड़ेगा, एक छोटा सा झंझट इसमें आ जाता है हेडिंग देने का। अब यहाँ पे देखिए 1512 जो ट्रांसफर हो चुका है। तो हेडिंग होगा तभी डेटा आपका एक्सपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट करने के मैंने कई सारे तरीके बताए, अब जो तरीका आपको सुटेबल लगता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं हम बात करेंगे अगली वीडियोज में, तब तक गुड बाय टाटा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।